ये लोग का भी लास्ट डे था, ये लोग भी देखो मस्ती करने आए हैं। और यहाँ पे दोनों जन साथ में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं। मम्मी अभी पारा पता नहीं कितना पढ़ रही, कितना पढ़ रही हो मम्मी? तो पहले मैं चलूँ? हाँ। 3, 2, 1 देखते कितना आता है। वो देखो सादिम को कितना अच्छा फुटबॉल आता है। तो आज मेरा लास्ट पेपर था और मेरा लास्ट पेपर खत्म हो चुका है और यहाँ पे सारे बाहर ना सारे स्कूल फ्रेंड्स अपना अपना मोबाइल लेके आए और सेल्फी खींच रहे हैं। और आज हमारी जल्दी भी छुट्टी होगी, पापा थोड़े लेट आए क्योंकि मैंने पापा को वही टाइम बताया था, हमारा लेक्चर आज जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी छोड़ दिया स्कूल वालों ने, तो ऐसा ही चल रहा है। और मुझे बड़ी याद आएगी मेरे 8th क्लास की, मेरे सारे फ्रेंड्स की, मैंने कैसे उन लोग के साथ सब अपने पूरा क्लास गुजारा था मस्त। और ये लोग तो अभी तक मजे करेंगे, ये लोग फिर 12 बजे तक जाएंगे। देखो पूरे मोबाइल लेके आए हैं और सब लोग सेल्फी की जा रहे हैं। तो आज से कितने दिन की छुट्टी? अभी से 2 महीने की छुट्टी, समर वेकेशन चालू, खाली बीच में जाना है अभी हम लोग को वही रिपोर्ट का। हाँ अगर मेरा रिजल्ट अच्छा है, मुझे इस बार अच्छे मार्क्स आने हैं। पेपर अच्छे से दिए सब? हाँ मैंने सारे पेपर अच्छे से दिए। चलो चलो घर चलते हैं। अभी सादिम भी ट्यूशन से आ चुका है और आज इसका भी लास्ट एग्जाम है, तो आज ये जाएगा अपना एग्जाम देने और अच्छे से एग्जाम देकर। ट्यूशन में अच्छे से पढ़ाई कर ली ना? हाँ एकदम मस्त। ठीक है, आज मेरा फाइनल पेपर का आखिरी एग्जाम है, तो आज जो मेरा एग्जाम है वो है SS का। तो मैं जा रहा हूं पापा। या वेलकम लोग, अच्छे पेपर देना। हां ठीक है, बाय। चलो भैया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा पेपर तो एकदम अच्छा गया पालू में। हाँ। एकदम अच्छा, देखते मेरा देखते सारे आंसर एकदम याद आ गए, एकदम अच्छा। हाँ। हाँ। तो आज से भी छुट्टी? हाँ आज से तो अभी छुट्टी, अभी डायरेक्ट 29 अप्रैल को रिजल्ट दिखेगा। 29 अप्रैल को रिजल्ट दिखेगा? रिजल्ट दिखेगा। और 2 महीने की छुट्टी? हाँ और 2 महीने की छुट्टी। तो छुट्टी सुन के मजा आ रहा है, खुशी हो रही ना? हाँ बहुत मजा आएगा। चलो मेरे वालेकुम अस्सलाम। तो दोनों जन आ चुके हैं। और सादिम तेरा एग्जाम कैसा गया? एकदम सब देखते याद आ गया। अच्छा दे, और मेरा लास्ट एग्जाम था और अभी हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, वो भी 2 महीने के, तो हम इस 2 महीने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और उससे पहले हमें रिजल्ट का वेट करना है, देखना है कि हमारा रिजल्ट कैसा आता है। हमने एग्ज़ाम के टाइम पे तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी, पढ़ाई के टाइम पे हम अच्छे से पढ़ाई करते थे और फिर हम साथ साथ ब्लॉग भी बनाते थे, आपने जैसे देखा होगा। तो अभी आप लोग हमारे लिए दुआ करो कि हमारा रिजल्ट अच्छे से आए। और हाँ अभी समर वेकेशन चालू हो गए तो फैमिली के साथ इंजॉय भी करेंगे हम और अच्छे से ब्लॉग्स भी बनाएंगे। तो चल सादिम तू रेडी हो जा फटाफट से, हम लोग नीचे चल के खेलते हैं। ठीक है। सो मैं अभी नमाज पढ़ चुका हूँ और अभी मारिया और मैं जाएंगे बिजनेस गेम खेलने। ठीक है, हमारे स्कूल की तो छुट्टी है तो अब हम लोग मस्ती मजा करेंगे, हमेशा गेम खेलेंगे। नीचे जाएंगे हमारा बिजनेस गेम, वैसा ही है बोर्ड। और ये मेरी बहन ये मेरे को ये है, हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, आई हैव मनी। यहाँ पे ये गोटी भी है बिजनेस गेम। गोटी। तो पहले मैं चलू? हाँ। 3, 2, 1 देखते कितना आता है। 8, 5, 8, 7 है ब्रो। 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और चांस चलो 2000 रुपये। सादिम का यहाँ पे चांस आया और जैसे स्टार्टिंग में बताया था 7 नंबर ही आया है, तो मैं सादिम को अभी 2000 दूंगी। दो मेरे को 2000 दो। ये लो। ओके मेरे पास 4500। यहाँ पे दादी कितनी क्यूट से सो रही है और अभी भी हमारा गेम चालू है। और यहाँ पे दोनों जन साथ में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं। मम्मी अभी पारा पता नहीं कितना पढ़ रही, कितना पढ़ रही हो मम्मी? कितना पारा चल रही मत पूछू। ठीक है। और पापा का एक कुरान मुकम्मल भी हो गया है, अभी पापा ने दूसरा कुरान पढ़ रहे हैं। पापा तो मतलब पापा एक एक दिन में 4-4 पारे मुकम्मल कर लेते हैं, वरना पिछले साल पापा मैंने बड़े रमजान में 6 कुरान ये साल ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा, 1 कुरान हो गया है, इंशाल्लाह एक और हो जाएगा। और हम लोग ने बिजनेस गेम खेल दिया और अब हम जा रहे हैं नीचे खेलने। चलो अल्लाह हाफिज़ दादी। अल्लाह हाफिज़। हम लोग जा रहे हैं नीचे खेलने, वो भी
रस्सी लेकर के और फुटबॉल। वो देखो सादिम को कितना अच्छा फुटबॉल आता है, खाली टाइम पास करता रहता है ये भी। फिर भी अभी हम लोग पास एंड पास खेल रहे हैं, बच्चों वाली चीज़ें यू नो। नहीं मेरे को मैच वैच नहीं खेलना, उतना भी बड़े वाली चीज़ें नहीं करनी। कहाँ फेंक दिया मैंने। अभी सादिम और मैं करने जा रहे हैं स्किपिंग का चैलेंज, देखते हैं कौन कितने ज़्यादा बार स्किपिंग कर सकता है। गिनते भी जाओ। सेवन ओनली। अब देखो मेरा कमाल। ओहो गिन रहा। 19। ओके 19। देखो हमें कौन देख रहा है ऊपर से। तुम्हें भी आना है खेलने, तुम्हें भी खेलने आना है। आ जाओ आ जाओ। दादी भी आए, इतने गौर से देख रहे हैं। ले गया हूँ खेलने नीचे, हम लोग खेल रहे हैं। आगे तुम भी साइकिल चला लो। अरे भाई इनको तो देखो, मतलब हाथ धोती है, लगता है सच में खेलने आना है। ओके तो चल चला, मैं आता हूँ। तो जा रही हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, रुक जा। और मैं बॉल में भी साथ में जा रहा हूँ। अब हम आ चुके हैं टॉप में, और टॉप भाई एकदम खाली, ऐसे देख करके तो मजा ही आ गया। ऐसे यहाँ पे टॉप में आके फुटबॉल खेल रहा है, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या खेल रही हूँ। स्किपिंग करना तू। मैं स्किपिंग करने जा रही हूँ। आप लोग कमेंट में बताओ स्किपिंग करने से हाइट बढ़ती है क्या? कैसे कैसे? ऐसे 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 टॉप टॉप। हेलो। ए बेबू हाँ मोटी लग रही है, मैं तेरे को पहचान ही नहीं भाई। चल वेफर खाते आगे, चल वेफर खा। मैं रोजा हूँ। ये लोग का भी लास्ट देता है, ये लोग भी देखो मस्ती करने आए हैं। देखो ये सब लोग खा रहे हैं अकेले अकेले, हम क्या करें, हम तो रोजा रखे हुए हैं। इसको और खेल लेने देते हैं। ले तू घड़ी ले, देखो 5:30 पे आना है। 5:30 मार दूंगी। 5:30। तो अभी मैंने सादिम को छोड़ दिया है, वहीं पे और खेलेगा। और मेरे को अभी घर भी जाना है, क्योंकि अभी इफ्तारी का टाइम भी हो रहा है, तो मेरे को मम्मी की मदद भी करानी है। और मुझे तो बढ़िया मज़ा आ गया, इतने दिनों बाद जो मैंने खेला है ना, मस्ती करी ना आज। अभी बहुत दिन से वो मस्ती मैं मिस कर रही थी, बिकॉज एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो आज वो सारा जो मैंने टाइम वसूल लिया। हाँ तो आज का पूरा दिन एकदम अच्छे से गया, हम लोग ने एकदम अच्छे से इंजॉय करा, और लास्ट एग्ज़ाम भी हो चुका है। तो अभी रिजल्ट का वेट करते हैं, देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। आप लोग दुआ करो कि रिजल्ट अच्छा है, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ बेल आइकन की घंटी भी दबा देना। थैंक यू, बाय।